इन दिनों हिंदी साहित्य और उर्दू साहित्य के समन्वय की चर्चाएं बड़े जोरों पर है। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि हिंदी और उर्दू साहित्य एक साथ मिल करके इस देश के लिए लंबे समय तक संघर्ष करते रहे। विशेष करके स्वतंत्रता समर की बातचीत इन दिनों बहुत हो रही है अमृत महोत्सव के संदर्भ में, तो हमारे ध्यान में आता है कि वह युग ऐसा था कि उस समय पंजाब से और बंगाल से अधिसंख्यक क्रांतिकारी आते थे और इस कारण से पंजाब से आए हुए क्रांतिकारियों का उर्दू के प्रति मोह स्वाभाविक था और साहित्य में उन दिनों उर्दू शेरो शायरियां गजलें कहना ये सब एक प्रचलन में था। इसलिए हम देखते हैं कि रामप्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारी भी उर्दू में गजलें लिख रहे थे, भगत सिंह की कुछ गजलें बहुत अच्छी है और अशफाक उल्ला खां के भी कई शेर हम सब लोग नित्य प्रति बातचीत में बोलते रहते हैं। इस संदर्भ में इन दिनों एक नया विमर्श प्रारंभ हुआ है साहित्य जगत में। विमर्श ऐसा है कि क्या सचमुच उर्दू भाषा हिंदी जुबान कहना ये एक फैशन तो नहीं बनकर के रह गया है? हम लोग देखते हैं कई बार कि जो उर्दू हिंदी के साथ मिलकर, यहां तक कि संस्कृत के साथ मिलकर स्वतंत्रता समर में भाग ले रही थी, वह उर्दू कब इस देश की मिट्टी से अपनी जड़ों को हटाती चली गई? आप कहेंगे कि मैं कुछ नई बात कह रहा हूं, लेकिन वास्तव में यदि हम गंभीरता से विचार करें तो हमारे ध्यान में आता है। हुआ यूं कि उर्दू से हम जैसे हिंदी साहित्य वालों का कोई लंबे समय तक सरोकार नहीं रहा, हम लोग बहुत संपर्क में भी नहीं रहते थे लिपि की भिन्नता के कारण से। उर्दू अखबारों में क्या छप रहा है, उर्दू पत्र पत्रिकाओं में क्या छप रहा है, ये हमको पता नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे जब उर्दू की गजलें देवनागरी लिपि में लिखी जाने लगी, शेरो शायरियां होने लगी और धीरे धीरे कुछ उर्दू के शायरों के विवाद लगातार भारत के साहित्यिक परिदृश्य पर उभरने लगे। नाम न भी लें तो भी चलेगा, लेकिन बहुप्रसिद्ध प्रकरण इसलिए हम जानते हैं कि मुनव्वर राणा के कथनों को लेकर, उनके शेरों को लेकर पर्याप्त विवाद हुआ। इसी प्रकार से राहत इंदौरी जी ने जो कुछ कहा ये देश किसी के बाप का नहीं है वगैरह वगैरह, तो उसको लेकर के पर्याप्त विरोध भी हुआ और लोगों को लगा कि कहीं यह भाषा राष्ट्रोपरी विचार से ग्रसित तो नहीं हो रही है। तो पिछले दिनों ऐसा हुआ कि मैं उर्दू की एक अनुवाद कार्यशाला में पहुंचा था। अनुवाद कार्यशाला में उन लोगों की अपेक्षा ये थी कि मैं उर्दू के अनुवाद वाले पक्ष पर बातचीत करूं। इसका अर्थ ये होता है आप जब अनुवाद की बात करते हैं तो हमारे ध्यान में ये आता है कि किसी भी भाषा का अनुवाद आप इस चश्मे से देखें कि उसका अन्य भाषाओं से संबंध कैसा है। दो भाषाओं के अंतः संबंध हम अगर परिभाषित करना चाहते हैं तो हमको ये देखना पड़ेगा कि वह भाषा अपने शब्दों को दूसरी भाषा को कितनी बड़ी मात्रा में देती है और दूसरी भाषाओं के शब्दों को अपनी भाषा में आत्मसात कितना करती है। ये जो आयात निर्यात होता है यह तय करता है कि कोई भाषा अनुवाद की दृष्टि से कितनी समृद्ध होगी। तो मैंने वहां पर कुछ मौलिक प्रश्न खड़े किए। मैंने कहा कि मैं बाल्यकाल से सुनता आ रहा हूं कि उर्दू जो है वह हिंदुस्तानी जुबान है। आप जब कहते हैं कि हिंदुस्तान की भाषा है तो इसका प्रमाण तो उर्दू को ही देना पड़ेगा, इसका प्रमाण हिंदी या संस्कृत को नहीं देना है, अरबी फारसी को भी नहीं देना है, वो तो अपने आप को विदेशी भाषा कहते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि हम भारत की भाषा है। तो मैंने एक प्रश्न खड़ा किया था कि भारत के संविधान में 22 मूलतः भाषाएं हैं जिनको हम भाषाई परिवार कहते हैं, उर्दू उसमें से एक है, अर्थात उर्दू से इतर 21 भाषाएं भारतीय भाषाओं के रूप में हमने संविधान में स्वीकारी है। मैंने ये कहा कि मैं उर्दू के निकट केवल इसलिए आ पाया क्योंकि मैं सामान्यतः रेडियो सुना करता था और हमारे यहाँ पर ऐसा होता था कि रेडियो पर आकाशवाणी के गीत या अन्य जो मनोरंजक कार्यक्रम होते थे वो सामान्यतया लगभग 1:30-2 बजे के लगभग आकर के समाप्त होते थे और 5 बजे तक फिर एक अंतराल सा होता था जब कोई गीत नहीं बजते थे, कार्यक्रम नहीं आते थे। तब मेरे जैसे विद्यार्थी उस समय ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस लगा लिया करते थे। मैंने कहा कि ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस को सुनकर के आप अंदाजा करेंगे कि वे जिस उर्दू को बोलते हैं उसमें 80% तक शब्द अंग्रेजी के प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि उर्दू क्रमशः अंग्रेजी को ही अपनी निकटतम भाषा के रूप में स्वीकारने लगी। उनको अगर संविधान के लिए कोई उर्दू शब्द का प्रयोग अनायास नहीं कर पा रहे जैसा आमतौर पर हमारे साथ होता है, हिंदी भाषी व्यक्ति को कोई शब्द नहीं सूझ रहा तो वह अंग्रेजी का शब्द प्रयोग करता है, उन्होंने अनिवार्यतः अंग्रेजी के ही शब्दों को स्वीकारना प्रारंभ किया। वे कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, वे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, वे प्रेसिडेंट बोलते हैं, वे चेयरमैन बोलते हैं, लेकिन या तो उर्दू बोलेंगे या अंग्रेजी बोलेंगे, कभी भी उर्दू के वाक्य विन्यास में, भाषा में आप भारतीय भाषाओं के शब्द नहीं पाएंगे। और मैंने प्रश्न किया कि भाई आप मुझे बताइए, आप सब अनुवाद से जुड़े हुए इतने सारे लोग बैठे हैं, कभी आपने अपने उर्दू भाषा के आलेख में, अपने उद्बोधन में
ये प्रयास किया गया कि तमिल भाषा का एक शब्द लिया हो, तेलुगु का लिया हो, गुजराती का लिया हो, मराठी का लिया हो, जबकि यह काम हिंदी की कई भाषाएं, हिंदी की बोलियां भी करती है और हिंदी भाषा स्वयं करती है। तो हमने अन्य बोलियों के शब्दों को स्वीकारना ये लगातार रखा है कायम, लेकिन उर्दू इस काम को कम मात्रा में कर पाई है। इसके कारण से हो ये रहा है कि कल तक आप जब कह रहे थे कि हिंदुस्तानी जुबान है, इसने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत गजलें और शेरो शायरी लिख करके भारत के जनमानस को प्रेरित किया है स्वातंत्र समर के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जिन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का दावा कर रहे थे उन्हीं अंग्रेजों की अंग्रेजी की गोद में बैठ गए हैं, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से उर्दू बोलने वालों को, लिखने वालों को, पढ़ने वालों को, उसमें भाषाई विमर्श करने वाले लोगों को इस दृष्टि से विचार करना चाहिए कि उर्दू क्यों आखिरकार लगातार हमारी भारतीय भाषाओं से दूर होती जा रही है। और अगर आप ये दावा करते हैं कि आप भारतीय भाषाओं के परिवार की एक हिस्सा है, जिसको हम भाषा भगिनी कहते हैं अपने यहाँ पर, तो भाषा भगिनी अगर आप अन्य भारतीय भाषाओं को मानते हो, आपकी बहनें हैं, तो बहनों को पहले आपस में एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा, उनकी शब्दावलियों को ग्रहण करना पड़ेगा। और यदि मुझे तो ऐसा लगता है, यदि उर्दू अपने आप को विराट दिखाना चाहती है, वो अगर कहते हैं कि हम बड़े दिल वाले हैं, तो आप क्यों नहीं संस्कृत के कुछ शब्दों का प्रयोग करने का साहस जुटाते हो उर्दू में? आप ये करके देखिए, उर्दू को जितना हिंदी समाज ने और हिंदू समाज ने अपनाया है, उतनी ही मात्रा में क्या मुस्लिम समाज संस्कृत को अपना पाता है क्या? क्या उसके शब्दों को स्वीकार कर पाता है क्या? ये एक लिटमस टेस्ट होगा आपके लिए भी। आप इस लिटमस टेस्ट से गुजर करके देखिए, यदि आपको लगता है कि आप इस काम में सफल हुए, तो आप बार बार जो शिकायत करते हैं कि हम कब तक परीक्षा देते रहेंगे, कब तक हमारी प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगते रहेंगे, इन प्रामाणिकता के प्रश्न चिन्हों को समाप्त करने का काम आप उर्दू भाषा के माध्यम से कर सकते हैं। मेरा अंतिम निवेदन केवल यह है कि राष्ट्रीय चेतना से जुड़े हुए विषयों पर उर्दू के अखबारों को, उर्दू की पत्र पत्रिकाओं को लिखना प्रारंभ करना चाहिए। विमर्श के विषय यह भी होना चाहिए कि हमारे पुरखे कौन थे, हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं। अगर हम अपने आप को भारतीय कहते हैं, तो हमको अपने दादा परदादाओं की परंपराओं का सम्मान करना आना चाहिए। ये सब यदि हम साहित्य के माध्यम से और विशेष करके उर्दू साहित्य के माध्यम से कर सके, तो मुझे लगता है कि उर्दू का भाषाई विमर्श एक सही दिशा में जा पाएगा।